पहले बोलते थे चमार चूड़े अब वो नहीं बोलेंगे ऐसा hmm. अब वो कानून बना देंगे merit क्या होती है सूरज <laughs> चौहान इज मैरिट जय भीम जय भीम ये जो बाल हैं सूरज कितनी बार शैम्पू करते हो ये स्टाइल क्या है ये मेरे नेचुरल बाल है ये मेरी गैर बालिक भावनाएं ये जो है मेरे बाल नहीं है और ये भाई साहब देख के एकदम इतने सारे बाल मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि किसी भाई के सिर पे तो बाल है। ये लाइट हो गया हमारा इंटरव्यू भाई बहुत बार शैम्पू करना पड़ता है मैं तो पानी डालता हूँ और काम हो जाता है नहीं है। मेरा भी ऐसी है मैं तो पानी क्या होता है कि बाल का क्या होता है देखिए जिसको बाल होते हैं मुझे एक्चुअली किसी ने बताया मुझे पता है कभी मेरे भी थे यार वैसा भी कभी थे नहीं नहीं मैं बहुत साल पहले की बात <laughs> कर रहा हूँ वो तो आपको आपके शायद बाल जाकर सदियाँ पीती होंगी You call it defro? ये कहा कि दिस इज़ बालों पे बाबा का जो स्टाइल था, स्टाइल था तो तो बिकॉज़ बहुत अच्छा स्टाइल <laughs> वो नहीं हुआ तो हमारे लिए तो हेयर स्टाइल रखना वो भी एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है किसी ने बहुत अच्छे बाल रख लिए तो उस पर भी हमारा मर्डर हो सकता है कितनी इनसिक्योर सोसाइटी है कि हमारी खूबसूरती इनके लिए आतंक है भारत में हम जब देखते हैं सवर्णों को उनको कोई गिल्ट नहीं होता इस बात का कि कितना कुछ बुरा उनके लोगों ने किया है पब्लिकली उनको एक बार सॉरी बोलना चाहिए देखिए जब आप गलती का ये करते हो स्वीकार तो आपका कितना बड़प्पन दिखता है और बड़प्पन के साथ जिम्मेदारी भी आप स्वीकार कर लेते हो सॉरी उस जमाने में मेरे से गलती हो गई सिर्फ सॉरी तक नहीं रुकता है कन्फेज भी होता है बड़प्पन भी है, पर अपने रिलेशन में और जो है नजदीकियाँ बढ़ती है बट हम लोग जातिवाद भी सहें हम उनकी मार भी खाएं हम इनजस्टिस भी झेलें डिस्क्रिमिनेशन भी झेलें, इतना कुछ झेलें और फिर उनको समझाएं भी हम हम समाज के पिता है hmm. पिताजी काम फिर फिर समझाना होता है रिजर्वेशन इज समथिंग विच इज कैरिंग द कास्ट फॉर एवर कि देश तुमको जब भी रिजर्वेशन दे रहा है आपको बहुत नम्रता से झुक कर सलाम कर कर आंखों में आंसू आकर बोल रहा है थैंक यू दिल से। hmm. जब भी रिजर्वेशन ले रहे हो ये ध्यान में रखो <laughs> अभी ईडब्ल्यू वाले भी ले रहे हैं वो क्या ध्यान में रखेंगे रिजर्वेशन एक जमाने में गाली होती थी अभी सभी लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं hmm. जाति का कोटा ये बहुत लोगों के लिए एक आहत भरा एहसास था अब लोग चाह रहे कि हमारा उस कैटेगरी में नाम आए अ वीडियो ऑन और यूट्यूब रीडिंग फिर भी उस, उस दादी का हाथ एकदम कोमल था वो ऐसा घुमाती थी चेहरे से तो एकदम मजा आती थी और उसकी जो आदत थी घर वाले कह रहे होंगे भाई साउथ अफ्रीका में जाके पढ़ लिए अमेरिका जाके पढ़ लिए अब ऑक्सफोर्ड चले गए हो अब पता नहीं आगे कहाँ जाओगे शादी ब्याह करके आराम करो ना थोड़ा जब व्यक्ति शादी करता है सबसे पहले कर्ज ही बन जाता है घर mm -hmm. लेने के लिए गाड़ी खरीदने के लिए सो डू यू थिंक अगर हम कास्ट को इंटरनेशनलाइज कर दें और इसको एक बड़ा इशू एटलाज हम पेश करें तो वी कैन हैव मोर सोलिडेरिटी वी कैन यू नो फाइट अगेंस्ट कास्ट इन कास्ट इन मोर वे आई मीन देयर इज नो डाउट दैट्स दैट्स व्हाट व्हाट द स्ट्रगल इज बाबा साहेब अन that that caste caste is is, is an internal matter to us. If it is, then you're acknowledging that caste is a nation. क्या जो ब्लैक मूवमेंट है अमेरिका का अफ्रीका का उनसे इंडिया के जो दलित लोग हैं क्या सीख सकते हैं हर फील्ड में उन्होंने मौका बनाया hmm. मौका नहीं था तो मौका लिया hmm. और वहाँ का लिबरल भी उनको मदद किया hmm. जो white था मेरा तो मन कर है रात भर बैठ के हम बातें करते रहे यार वो आपका जो ऑलिव ग्रीन जो ब्लेजर है वो काफ़ी अच्छा विजुअल आ रहा है तो मेरे को देखे बड़ा मजा आ रहा है बिकॉज यू नो इट फील्स लाइक वो अंधेरे में जो उस तरह का वो दिखता है ना रात में आ, थोड़ा सा उस तरह का कलर झाड़ में वगैरह ये दलित ब्लेजर भी पहन सकते हैं क्या क्या <laughs> और काफी खूबसूरत लग रहे हो हाँ। माशाल्लाह सो वी आर दलित वी आर एक्सपेंसिव एंड वी आर ब्रांडेड यस अपना तो वही है वी आर एक्सपेंसिव या कास्ट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ वो आपके कोर्ट में गई ना केस व्हाट डज दैट मीन क्या इसकी गुंजाइश है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या जब तक जिंदा है राष्ट्र नहीं सकता। ऐसे okay. yes, yes, बैठे रहेंगे रहेंगे। और देखते रहे मेरा लुक उसपे है फर्स्ट सेकेंड उसपे ऑलरेडी चल रहे चालू है क्या इंटरव्यू <laughs> oh, यही है वो जो सबसे बड़ा स्कॉलर बनता है डकार देखो इसकी मटन खा के आया हूं स्वागत है आपका द न्यूज बी केस खास पेशकश में और आज मेरे साथ इस फ्रेम में जो चेहरा आपको नजर आ रहा है बहुत सारे लोग इस बात की डिमांड कर रहे थे कि इस चेहरे को हमारे इस फ्रेम में चैनल पर लाया जाए तो मेरे साथ हैं डॉक्टर सूरज येंगड़े जो किसी इंट्रोडक्शन के तो मोहताज नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें तो बनती हैं फॉर्मेलिटीज़ हैं बता देता हूं फिलहाल ऑक्सफोर्ड से पीएचडी अपनी कर रहे हैं और हार्वर्ड में सीनियर फेलो हैं और आ, कास्ट इन मैटर्स जैसी शानदार किताब लिख चुके हैं जिससे बुक ऑफ द डेकेड अभी uh, हिंदू की तरफ से आई गेस लिस्ट में डाला गया है और रेडिकल इन अम्बेडकर जैसी किताब है इंडियन एक्सप्रेस में द लिटैलिटी नाम का एक अपना वीकली कॉलम लिखते हैं बहुत सारी काम करते हैं मतलब मेरे पास इनका जब मैं ढूंढ रहा था कि इंट्रोडक्शन ढूंढ लूँ तो इतना बड़ा एक निकल के आया था कि ये ये काम इन्होंने किए हुए हैं तो वो सारे काम हम सूरज से पूछेंगे सूरज शुक्रिया यार आने के लिए लेकिन बहुत इंतजार कराया मुझे आ... न्यूज़ बीक पे आने की काफ़ी दिनों से तमन्ना थी और अभी 11 बज रहे रात के आपके और आपके टीम का मैं सच में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके काम की दाद देता हूँ कि आपने मुझे हम हमको साथ में 12 घंटे हो रहे आज हाँ 12 घंटे आज हमने बिताए हैं और ये तो आपको आज नमूना मिल गया कि इतना समय हम लग हम पीछे पड़े हुए थे बारह घंटे से जहां सूरज जा रहा था कि नहीं आज इंटरव्यू लेना ही है रिकॉर्ड करना <laughs> ही है तो फाइनल इंटरव्यू हो रहा है सूरज तीन साल बाद इंडिया आए हो तीन साल पहले जैसा इंडिया छोड़ के गए थे तीन साल बाद आने के बाद लगा है जैसा कास्ट नेचर वाला इंडिया हमारे लोगों के साथ जो वायलेंस होती थी वैसा इंडिया कुछ फ़र्क आया है इज़ देर डिफरेंस यार देखिए मैं ना क्योंकि तीन साल पहले से इंडिया के बाहर रह कर न्यूज़ पढ़ रहा था सोशल मीडिया से अपडेट ले रहा था तो एक परसेप्शन बन जाता है और परसेप्शन से आदमी अपने विचारों को जो उसकी डायरेक्शन है वो वहाँ से तय करता है विचार बनाता नहीं है वो सोचता है कि इस तरह से जा रहा है इस तरह से जा रहा है तो इंडिया में आने के बाद जितना मुझे भयंकर दिख रहा था उतना ज़्यादा मुझे भयंकर नहीं दिख रहा है अनुभव के हिसाब से पिछले अभी मैं कुछ हफ्तों से घूम फिर रहा हूँ आना जाना चल रहा है मेरा इंडिया के आना जाना बाहर और जितना मैंने अनुभव किया है आ, मुझे जो परसेप्शन और फैक्ट के बीच में का जो दायरा है वो भी उसमें हूँ तो जहाँ तक जाति के बारे में बात आ रही है देखिए जातिवाद अभी एकदम नुवास्ड और एकदम एलीट जातिवाद हो गया है hmm. जो एक पहले बोलते थे चमार चूड़े अब वो नहीं बोलेंगे ऐसा अब वो कानून बना देंगे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन बन निकाल देंगे गैजेट में लिख देंगे या कंपनीज की पॉलिसीज़ में इंटरवेंशन कर देंगे या तो जो नौकरियां की जो वैकेंसीज है उसको भरेंगे नहीं या फिर नॉट सूटेबल कैंडिडेट बताएंगे या फिर आ, आपकी जो सब्सक्रिप्शन या आपकी जो रीच बढ़ने की जो तादाद है उसको वो उसके एनालिटिक्स जो एआई काम कर रहे हैं से उसको वो लिमिट कराएंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं पंक्चर कराएंगे आजकल हमारा ट्विटर हैंडल यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज उसको भी बैन कर देते हैं तो देखिए अब मैं ये कह रहा हूँ यही तो है ना जातिवाद पर ये जातिवाद को मैं जो समझ के आ रहा था उसका मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसकी जो रूप है आधुनिक युग का ये मेटा के वर्ष में ये काफी इफेक्टिव बनता जा रहा है नहीं। नहीं। और उसको परखने के लिए वो चश्मा हमारे पास रहना जरूरी है मेरे पास तो है पर समाज के अंदर भी जाना जरूरी है तो अभी आप आए हैं इंडिया में क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं इंडिया आना कैसे हुआ किस मकसद से आए थे ये या यार एक तो पहली बार तीन साल से मैं घर पे नहीं आया बीच में जो है कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स की मैंने इंडिया के बाहर करी आ, और इंडिया में वो छप रही थी कर रहे थे आ, और फिर बाद में जो मेरी सबसे अजीज़ मेरी दादी थी आ, शी डाइड एंड इट वॉज़ अ वेरी moment. in इनफैक्ट my बुक starts कास्ट मैटर्स मेरी दादी से शुरू होता है हुँ. और उसके जो अनुभव थे जो वो मेरे दिल के और मेरे विचारों के करीब थी जिसने मुझे देखिए हमारे मतलब हर जगह दादियाँ ही पालती हैं आपको ज़्यादा क्योंकि माँ बाप तो बेचारे काम में रहते हैं हुँ. या तो घर पर रहें या कहीं और काम में तो Uh, तो दादी का ये हुआ कि मुझे बताया गया कि शी न्यू दैट शी वॉज गो एंड शी वॉज रिफ्यूजिंग टू गो टू हॉस्पिटल एंड आई बट हमको समझ में नहीं आ रहा था हमको एंग्जाइटी थी कोरोना काल था हमको कोरोना से तो उनका नहीं हुआ पर uh, उसकी जो शी हैड सम ब्रीदिंग इश्यूज एंड सो वी हैड टू पुट पाइप तो वो मुझे नहीं मैं तो नहीं था शायद मैं इस अनुभव से गुजर भी नहीं पाता था पर मेरे भाई और मेरे चाचा जी थे और वो कह रहे थे कि बेचारी तड़प रही थी क्योंकि वो दर्द होता है वो पाइप जाता है तो शी वॉट वो पैर जो है वो बिस्तर के ऊपर कर रही थी तो शायद वो कहना चाहती थी और इस बात का मुझे अभी भी बहुत अफसोस है कि मैं कुछ एटलीस्ट हमें समझ में भी नहीं आया कि शी वो न्यू शी वॉज पास अ इन फ्यू डेज एंड शी वुड रादर डाई इन इन फैमिली तो वो ब्रीदिंग के टाइम हमेशा उसको तकलीफ़ होती थी बेचारी को तो वो बोलना चाहती थी हाथ ऊपर करना निकाल के कुछ करना चाहती थी पर डॉक्टर ने बोल दिया कि वो निकालेगी उसको फिर वो वेंटिलेटर से कुछ होगा आप हाथ पकड़ के रहो और हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी ऐसी है कि आ, सरकारी अस्पताल में यू कैन नॉट अफोर्ड तो वो बहुत कम आपको पर्याय देते हैं और वो डॉक्टर भी जो वहाँ काम करने वाले होते हैं वो एकदम एजेस uh, पे काम करते हैं उनकी जो uh, एक ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग के अंदर देर आर ऑल्सो वेज टू फाइंड आउट का जो तरीका होता है दे के नॉट डू इट क्योंकि दे हैव वेरी लिमिटेड बजट एंड दे के नॉट वर्क बियॉन्ड देर ओन एक्सपर्टीज़ एज वेल तो शायद मेरा भाई कह रहा था कि वो बेचारी बार बार वो पाइप की तरफ जा रही थी शायद उसको कुछ बोलना था और वो बोल नहीं पाई एंड सो so वो काफ़ी मेरे लिए uh, uh, दुख भरा था और मैं नहीं रह पाया तो मुझे काफ़ी दिनों से तमन्ना थी कि आऊँ बट ये भी है कि उधर रहता तो शायद मैं सह भी नहीं पाता था कुछ मामलों में अ, ये चीज़ें हैं जो आप इट्स डिफ़िकल्ट टू क्रॉस ओवर तो उस बाहर से इंडिया आया और कुछ महीनों बाद आया तो फिर उतना उसका इम्पैक्ट भी उतना हैवी नहीं था mm. बट अ, अ, बट दैट्स द लॉ ऑफ नेचर वॉट एवर ज तो पास ऑन तो वी एक्सेप्ट द लॉ ऑफ नेचर एंड बट येट कमिट तो फिर मैंने दादी के लिए मेमोरी में मैंने अभी मैंने उसमें लिखा भी था कि एक अछूता औरत जो पढ़ी नहीं खेतों में बंधुआ मजदूर के नाम पर वो काम करते थे या फिर अगर बंधुआ नहीं है तो फिर खेतों में किसी किसानों के किस अंदर वो काम करते थे जी जी। और उनको कॉम्पेंसेशन जो है मिलता नहीं था अनाज देते थे और वो भी उस टाइप का अनाज जो लोअर क्वालिटी का हो अच्छी क्वालिटी का तो बेचने को जाएगा देते फिर उसने जो है लोग घर में बर्दन मांझे उसका जो पति था मिल में वर्कर था और शहर में आए थे और जहाँ पर रेलवे स्टेशन के आजू बाजू जहाँ कुछ नहीं होता है वहीं अपने लोग आके बस्तियाँ जाती जो गांव झुग्गी झोपड़ी से जो लोग आते हैं वहाँ सेटलमेंट बनाया उस परिवार उसने रेस किया और पढ़ी लिखी नहीं थी फिर पति भी जो है शराब पीकर जो उनका लाइफ में उनकी जो तकलीफें थी बच्चों को बढ़ाना फिर कभी कुक भर के काम करते थे तो देखिए जिस कंडीशन में ये जनरेशन ने काम किया वहाँ ना कोई लॉज वहाँ ना कोई प्रोटेक्शन वहाँ ना कोई आ, आपके लिए आ, जो वहाँ हो जो वाँ गुहार लगा रहा है वहाँ कोई नहीं है तो ये बहुत ये इट इज़ कॉम्पाउंडेड इन टू हेल्थ एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन डिफरेंट वेज एंड स्पेशली इट्स फॉर द पीपल जो लोग इस तरह के एकदम ग्राउंड पे जो घिस रहे पैरों को mm -hmm. और फिर भी उस, उस, उस दादी का हाथ एकदम कोमल था mm -hmm. वैसा घुमाती थी चेहरे से तो एकदम मजा आती थी और उसकी जो आदत थी आ, वो बालों के अंदर से हाथ घुमाती थी तो आपको एक कंफर्ट हो जाता था और उसको पता था क्योंकि बचपन से उसी के साथ गुजरे तो इसके कंफर्टिंग पॉइंट्स क्या है तो उस तरह से टच करती थी बॉडी को या फिर वो हाथ से करती थी तो फिर उस औरत को जो पैदा होकर मरती थी एंड शी वुड हैव बीन एनी स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स बनता भी नहीं था क्योंकि जन्म का दाखिला नहीं है मरने का क्या होगा एंड वुड हैव बीन लाइक एनी डॉट इन द यूनिवर्स पर उसकी देहांत के बाद एक नेशनल अखबार में उसको सेलिब्रेट किया गया उसके लाइफ को तो मैंने उस आर्टिकल में लिखा है कि ये उस जनरेशन की कमाई है कि जिन्होंने इतना सहाया पर उनकी अगली की अगली पीढ़ी ने उनको अपने सराखों पर रख कर है नेशनल मीडिया में तो मैंने दादी की अभी चोरी इंडियन एक्सप्रेस में लिख दी तो मैंने बोला दिस इज दिस इज़ द डिफरेंस कि पता नहीं था क्या होता था पर इमोर्टलाइज हो गई है इंडियन एक्सप्रेस के आर्काइव्स में hmm. कि एक चंद्रभा नाम की औरत नांदेड़ के जो शहर से थी उसका नाम फिर मुझे गवर्नर एक दूसरे के बाकी लोगों का फोन आया जो खुद भी ग्रैंड पेरेंट्स थे दे वेरी 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 टेस्ट अबाउट दैट पीस दैट्स पर्सनल एंड वी आर सॉरी फॉर

आज दबा निकाल दी लग, इतना बड़ा क्या कह रहा है अब hmm. दादी को क्या मालूम कि दादी का पोता <laughs> 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 पैसे की बात नहीं है बट जो जो नजरिया है वो काफी बड़ा बन गया है hmm. तो दादी को कभी कभार मैं कुछ पैसे देता था कभी फॉरेन के करेंसी ला के देता था hmm. तो वैन शी डाइड हर पर्स द मनी ah. एक होता है कि पैसे ज्यादा जो ट्रेजर देखा भी नहीं हमारे लोगों ने कभी था भी नहीं तो आ भी गया तो उसको अच्छे बुरे वक्त के लिए बचा लो खर्च मत करो एंड स्पेशल मोमेंट्स यस 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 आर देखिए वो जो है ना दे आर द द स्टारी नाइट स्काई जो रात की जो चांदनों वाली जो रात होती है जो स्काई होता है जो एकदम mm. गैलेक्सी के जो होता है दे आर लाइक दैट दे आर फुल ऑफ एनर्जीज फुल ऑफ सोर्सेज फुल ऑफ फुल ऑफ टेंडरनेस फुल ऑफ कंपैशन फॉर गिवनेस दैट्स अ वेरी स्पेशल स्टेट एंड आई थिंक बट ऑल्सो दे आर फुल ऑफ फुल ऑफ रेज फुल ऑफ जजमेंट्स फुल ऑफ Uh, partiality, you over others, mm -hmm. um, and 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 they want to find. They, they are very uh, at a the moment. They are very uh, difficult to deal with because mm -hmm. they are just because they want everything that the way it works. And there's a whole generation, but that's the that's the that's the grammar of Dadi, mm -hmm. uh, the grandmother who is such a. Such a precious character in all of life, and and I think uh, um, they they remain uh, they remain like the pillow, a soft pillow that you want to rest your head upon after a whole day of work, where your body just wants to go and just is expecting the well-deserved rest. Mm. So when you sleep on a soft cushion, the cushion is hugging you; it's embracing you. That's like being with Gandhi. What a lovely narration! Wow, <laughs> uh, these moments are like forever for them. That's so nice, so touched. <laughs> anyway, we need to uh, move on. Yeah, that's very personal. I do understand the feelings of Suraj. Of course, of course. Suraj, uh, you came from Nanded and yeah. now Harvard, Oxford. So Nanded ka ek ladka, abhi itni jagah hai. Abhi usse aage kya plan kar मैं भी यार भी काफी सोचते रहता हूँ सुमित भाई कि आ, क्योंकि एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं और आपके लक्ष्य बदलने चाहिए क्योंकि जब नई चीजों का अध्ययन होता है नई चीजों की जानकारी होती है तो आपका लक्ष्य भी उस तरह से नहीं। आ, मिशन नहीं बदलना चाहिए नहीं। और फर्क लोग कभी कभी इसमें थोड़ा सा हल्के हो जाते हैं समझने में मिशन एक लंबा जरिया होता है और उसका पार्ट आप होते हो mm -hmm. आप मिशन नहीं होते हो यू कैरी फॉरवर्ड इसकी लॉन्ग उसकी जो हिस्ट्री होती, mm -hmm. होती है वो लीनियर होती है टाइम बाउंड होती है वो डीपली इंटर डिसिप्लिनरी होती है mm -hmm. वो इंट्रा इमोशनल होती है और लक्ष्य जो होता है लक्ष्य आप एक आपकी लाइफ की जितनी समझ है उसको लेकर करते हैं नेल्सन मंडला जैसे कहते हैं कि उनको एक पहाड़ के ऊपर जाना था जब एक गए तो उनका पता चला कि और भी पहाड़े जाने की तो मेरे लक्ष्य की जो बात है वो बदलती रही है अभी मेरा सोच रहा हूँ अभी कुछ, कुछ कुछ दिनों पहले मैं सोच रहा था कि एक मेरे समाज में जो है मुझे नए आइकॉन्स तैयार करने हैं Hmm. जो समाज को आदर्श दें समाज के लिए वो प्रेरणा बने वो उनके लिए ऊर्जा बने hmm. और जो समाज की जो आ, विचारों की जो श्रृंखला है उसमें और और अपना वेट डाले hmm. ताकि अपने समाज का जो युवा है युवती है उसको वहाँ से कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करने के लिए और लाइफ में लेने के बाद समाज में कुछ करने के लिए उनमें जज्बा हो और उसके लिए हमको लगेगा एक तरीके से शिफ्ट ऑफ मेंटल थिंकिंग मैं मेरे समाज को खुद के साथ प्यार करने के लिए अभी मेरा जो उद्देश्य है मैं समाज को खुद से प्यार कैसा करे ये सिखाना चाहता हूँ ये उनको दिखाना चाहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं उनको खुद ही एहसास करवाना चाहता हूं कि ये आप में है और किसी ने आपको आप जिस तरह से हैं वो बहुत अच्छे हैं और किसी के जो जजमेंट से आप खुद की असेसमेंट मत करो आप पत्रकार हो लेखक हो आप आर्टिस्ट हो आपका बिजनेस है अब फैशन डिजाइनर हो अब जो भी हो खुद की जो एस्टिमेशन है आप खुद के दादा दादी से करो और जब ये करना शुरू सीखोगे तो आपकी जो बैरियर्स है बैरियर्स जो बनाए हमने वो जब हम ही खुद निकाल देंगे खुद के हाथ से हम बहुत आगे चले जाएंगे तो ये प्राइमरी भी थोड़ा मेरे ध्यान इसके लिए मैं युवाओं में थोड़ा सा आदर्श करना चाहता हूँ कुछ साल पहले हमने ये बहुत एग्रेसिव मुहिम की थी बच्चों को फॉरेन में भेजना है अभी जा रहे हैं सालों में जा रहे हैं <coughs> भैया गया हूँ वगैरह काफी अच्छा लगता है उसके साथ साथ ये लक्ष्य को लेकर अगर चले तो जो जो मेंटल चेंज है मानसिक वो प्राथमिक रूप से अगर कुछ समय तक किया जाए तो उसके साथ बाकी सब चीजें आएंगी कल्चरल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑल ऑफ दैट विल कम इन सो ये थोड़ा सा एक छोटा सा लक्ष्य लेके चल रहा हूँ कि प्यार करो और जब प्यार कर रहे हो उसका एहसास रखो कि प्यार कर रहे हो प्यार मेहरबानी नहीं होती है प्यार दी हुई एक आस्था होती है तो आपने आप में भी चलाओ और लोगों में ले जाओ तो वो थोड़ा सा लक्ष्य है तो प्यार मोहब्बत की बात आ गई है तो मैं फ़ायदा उठाते हुए पूछ लेता हूँ घर वाले कह रहे होंगे भाई साउथ अफ्रीका में जाके पढ़ लिए अमेरिका जाके पढ़ लिए अब ऑक्सफोर्ड चले गए हो अब पता नहीं आगे कहाँ जाओगे शादी ब्याह करके आराम करो ना थोड़ा यार ये जो है शादी ब्याह मेरे हिसाब से एक पुरानी कल्पना हो गई है आ, क्योंकि शादी करने से देखिए तीन चीजों की आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरवेंशन हो जाती है दैट यू कैन नॉट कंट्रोल वन स्टेट टू सोसाइटी और थर्ड आ, जिसको बहुत तरीके से uh, लोग समझ नहीं पाते हैं बट द नेचर ऑफ इकोनोमी ये तीनों चीजों के लिए आप बिना पूछे अकाउंटेबल हो जाते हो स्टेट हैज द राइट टू इंटरवीन क्या mm -hmm. कर रहा है शादी किया तूने ये mm -hmm. क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया हैव टू फॉलो सर्टन एंड एंड दैट ब्रिंग्स अस विद विद स्टेट द पुलिस एंड एवरीथिंग एल्स हर सोसाइटी और सोसाइटी यू टू बिहेव इन वे स्पेशली इट इज वेरी मच ट्रबलिंग फॉर वुमेन क्योंकि मर्द को तो आप जो है आप हम तो खैर शादी करके रिलेटिवली हम क्योंकि हमारे मर्दों के आज इर्द गिर्द जो कहानियाँ भी बनाई है वो शिवल रस है एकदम Hmm. कासानोवा बने हैं सेलिब्रेटेड है बट <laughs> वही फीमेल कासानोवा बन नहीं सकती क्योंकि उसको फिर hmm. गंदी 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 डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली तो सोसाइटी का जो अननेसेसरी इंटरवेंशन आपके नेबर्स आपको बोलने लगेंगे ये hmm. इसकी कौन है क्या है कुछ है क्या है <laughs> और आपको बिना पूछे उसकी रिसीट्स देने पड़ेंगी ये hmm. है वो है और आप खुद को एक एक गिल्ट की दुनिया में जीते हो hmm. और इकोनॉमी की तो बहुत बात सही है फाइनेंशियल hmm. मार्केट भी है बट इट्स अ डेट शादी का जो कॉन्सेप्ट है ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में बहुत एंगल्स ने भी इसके बारे में लिखा था फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में भी hmm. आ, पर फैमिली <coughs> की जो कल्पना है hmm. आ, कि जब व्यक्ति शादी करता है सबसे पहले कर्जी बन जाता है घर hmm. लेने के लिए गाड़ी खरीदने के लिए या फिर तुम्हारी जो बेसिक नेसेसिटीज को पूरी अनलेस यू हैव एन इनहेरिटेड वेल्थ जो आप स्पेंड कर सकते हो जो हमारे पास नहीं होती जो हमारे पास और अगर हम फर्स्ट जनरेशन में अगर को थोड़ा बहुत बना भी दिए विच कैन वर्क मैं अपना परस्पेक्टिव दे रहा हूँ इसके <laughs> लिए एक रिकरिंग डेट की दुनिया फिर कभी कभी बच्चों के फिर पीछे लग जाते बच्चे कब हो रहे हैं एंड डेट एन अनपेबल डेप्ट उसके अंदर जो हम इमोशन लाए हैं तो शादी को हमने एक ट्रांजैक्शनल बना दिया है मार्केट इमोशन सेक्स रिप्रोडक्शन और फैमिली के कॉन्सेप्ट्स को बनाकर और ये सारे मिलकर जो क्या हो जाता है कि इंटीमसी कहीं ना कहीं खो जाते हैं

देव मेड पीस विद डेट इनफैक्ट मेरी बहन की अभी शादी हुई mm -hmm. तो मैंने कहा कि अभी मम्मी को शादी करानी है mm -hmm. तो वो कह रहे तो भाई है तो मैं बोला शादी किसको करनी है उसको mm -hmm. तो खर्चा कौन उठाए mm -hmm. खर्चा कौन उठाए भाई शादी आपको करनी है तो mm -hmm. आप उठाओ mm -hmm. आपको करनी है ना मेरे को थोड़ी करनी है mm -hmm. तो फिर उनको ये लगा कि ऐसा कैसा mm -hmm. तो वो भी समझ देखिये मैंने कहा कि बच्ची के पास अभी नौकरी लगी है Mm -hmm. उसका जो पार्टनर है उसको भी अभी नौकरी लगी है mm -hmm. आप शादी के बजाय जो है इनके खाते में पैसे डाल दो mm -hmm. और इनफैक्ट मैंने मेरे बहन को यह भी कहा था कि आप शादी भी मत करो पार्टनर बल के साथ में रहो सी हाउ इट गोस एंड इफ यू वांट टू बट यू डोंट यू ये यही आ रहा था फिर उसने बोला कि hmm. इंडिया में थोड़ा सा ये मुश्किल है बट ऑल्सो यू नो देखिए आप एक बात को समझो कि इंडिया में ये क्यों है hmm. आपका कल्चर ये बना रहा है hmm. आप फिल्में देखो टीवी hmm. सीरीज देखो कहानियाँ पढ़ो ऑलमोस्ट मुझे हिसाब से 80 प्लस परसेंट आर सराउंडिंग लव एंड व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ लव वेयर डज इट एंड गेट मैरिड गेट मैरिड बट डज दैट फिल्म कंटिन्यू सेइंग लाइफ आफ्टर मैरिज बता दे नो ये पत्थर फेंक के मार रहा है वो पत्थर लेके अ काइंड ऑफ जोक अपार्ट बट बट दैट्स हाउ दैट्स हाउ वी सी तो एक एस्पिरेशन बना दिया है मैरिज इज एन एस्पिरेशन आई थिंक पार्टनरशिप शुड मेरा और इंडिया में जो है मेरा जो वन ऑफ द क्रिटिक्स है कि ये काफी हेट्रोसेक्सुअल है hmm. ये काफी पुरुष और स्त्री के इसमें लगा हुआ है अब उसके अंदर भी कॉम्प्लीकेशन ये कि जात है जाता hmm. जातो भाई और जातों की भी एक सबकास्ट होती है hmm. गोत्र देखा जाता है hmm. तीन गोत्रों में चार गोत्रों के बाहर शादियाँ करने के वो सोचते हैं कुछ में तो एक ही गोत्र में शादी करनी होती है कुछ धर्मों में तो शादियाँ ऐसी हो जाती है कुछ रीजन्स में मामा के लड़की कुछ में मा तो ये इसका एक अलग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है शादी की अब शादी करते करते जो अनुभव लोगों को आते हैं और फिर लोग कहते हैं इंडिया में शादी के बाद जो है देर इज नो टर्निंग बैक ना जनरली देर इज नॉट यू कैन ऑफकोर्स देर इज यू कैन फाइल डिवोर्स पर डाइवोर्स का सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है लेडी को होता है हमारे यहां तो कहा जाता है उसको डाग लग गया है जब वो खुद के बारे में सोच रही है कि मुझे नहीं करना है ये ये मैंने स्ट्राइक कर लिया है एंड आई डोंट फील कंफर्टेबल इन दिस बट जब वो डायवर्स हो रही है मर्द इज रिलेटिवली कैन बट फीमेल कैनॉट Mm -hmm. उसको फिर भी स्टिग्मा कैरी पढ़ना पड़ रहा है शी गो और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो बेचारी सोच भी नहीं सकती है अपने पास दहेज का बड़ा चक्कर है mm -hmm. और उसके साथ साथ वैरिड कॉन्सेप्ट जो मैरिज की है इट कम्स विद विदी बर्डन सो मैरिज इज जस्ट अ वेरी रोमांटिक प्लॉट दैट वन कैन विजुअलाइज वन कैन थिंक वन कैन ऑल्सो हैव वन ओन रोमांटिक स्टोरी इन योर ओन लिटिल स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी बट द एंड रिजल्ट इज नॉट ने वॉट फिल्म और वॉट वी आर इमेजनिंग द एंड रिजल्ट मर्डर सोशल बॉयकॉट द इन लॉज डोंट सी द डॉटर और सन इन लॉ फॉर नेवर मेरे खुद ही फैमिली की बात है आते नहीं है डिसोन कर देते उनका तो

उसका जो जरिया जो हम बोल रहे थे कास्ट इज देंट्रल एंकर ऑफ दिस एवरी थिंग दैट वी अंडरस्टैंड एस सोसाइटी Mm -hmm. राइट mm -hmm. तो right. फिर उसमें ये कंडीशन <coughs> नहीं आएगी ना वेस्टर्न mm वर्ल्ड -hmm. में इसको लेकर उतना नहीं है ना हम ऑफकोर्स वहां पर कलर को लेकर या स्टेटस को लेकर है mm -hmm. बट जात की इंटीमेसी को लेकर नहीं है सो देर इज नो फियर माँ बाप की uh, इच्छा बच्ची की शादी जल्दी करवाना क्यों होता है mm. जल्दी से कोई लड़का कम्युनिटी में मिल जाए <laughs> स्की लाइफ सेटल हो जाए मेरी जिम्मेवारी को बच्चों का भी होता है लड़का ऐसा क्यों है इफ वी रिमूव दैट देर विल बी अ फ्री एक्सचेंज ऑफ डिजायर्स फ्री एक्सचेंज ऑफ पैशंस फ्री एक्सचेंज ऑफ वंस इंटरेस्ट विमिंग इट एज ए डर्टी थिंग अपने यहाँ और खासकर बोला जाता है कि हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र के साइड में बोलता है ये लफड़ा करके आए हैं hmm. प्यार को लफड़ा कर कहा जाता है दे एंजॉय दिरोन हीरो लव रोमेंटिक ड्रामा बट नॉट इन लाइफ So, uh, you like when you see somebody uh, in, in West or in your, uh, you know, uh, wherever you are going, uh, the Indian pr things in their own perspective, if something is happening in India, yeah. which is aisa hota So what's their perspective of, you know, looking at the things in India like caste or the owner killing or some brutal things happening to the community. How do they see it? What is happening around India? You know, in, in many a time, it's very interesting that people are unaware. Mm. They are just not sure what's going on mm -hmm. and when they when they are exposed to it, the obvious reaction is any human will feel agitated mm -hmm. and they have an impulse of what's what's the government doing what's happening here mm -hmm. like that's the obvious uh, response and and they they would like to really investigate mm -hmm. um, and and they have they know caste they know caste but caste they know in theory mm -hmm. like we know, there are peasants in mexico mm. or there is a struggle of uh, of people working in farms in colombia mm -hmm. we know but we don't know the intricacies of it exactly. like we know there is a problem of race mm. in america we know martin luther king but we don't know what's happening every day politics so similarly they are aware of it but they are not educated about it mm -hmm. and so so when slowly they are getting exposed there is a deep consciousness that is coming around this uh, issue mm -hmm. people would like to commit to it

Uh, जात को लेकर सेंसिटिविटी uh, काफ़ी बढ़ रही है अभी तो काफ़ी हाइटेंड लेवल पर है और इनफैक्ट देर इज ऑलमोस्ट नो कंट्री इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन अफ्रीकन वर्ल्ड पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस नाव वी आर होपिंग मेरा भी काम सोच रहा हूँ कि साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में क्योंकि वहाँ पर भी कास्ट है इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कास्ट दैट एग्जिस्ट इन देयर सोसाइटीज वाट कैन बी डन देयर तो मैं उसके ऊपर अभी थोड़ा सा अभी मैक्सिको जा रहा हूँ परसों के दिन एंड होपफुली Uh, I'll, I'll, I'll get some exposure and understanding and maybe I'll collect some information and data for for me to process and theorize about this.

Unfinished and unfulfilled task of his life. Mm. Ever since nineteen twenties, when there was League of Nations, mm -hmm. he would say he would take the problem of untouchables to the League of Nations. Then he stops, and then when the nineteen forties come, he's like, I'll take this problem to the United Nations. Mm -hmm. When United Nations existing, he then stops, but he still pursues the objective. So Ambedkar, Baba Sahib Ambedkar's lifelong mission was to seek global solidarity. Mm. His way of style was very. Um, a dynamic in the sense that uh, he would he would have the courage to call out local social institutions, but mm -hmm. also government, mm -hmm. and also have the uh, the vision to say if you don't resolve the issue, we, ha we have another court of justice that is international. Mm -hmm. We're gonna take it. the book he wrote, Mr. Gandhi and the Emancipation of Untouchables, is a tiny. Mm -hmm. It comes in mm -hmm. then. Uh, what Congress and Gandhi have done to yeah, untouchables. He have yeah, yeah. written that paper in for mm -hmm. 1943 Pacific Relations Committee Conference. That was for Jews, refugees, mm -hmm. uh, new colonized countries. And they, Babasaheb was invited. It was in, uh, in Montreal, Quebec. Mm -hmm. uh, and they, it was on a, an, on a, uh, at, at a, at a mountain. Uh, it was like a place where they do skiing. Mm. So Babasaheb couldn't go, but he sent his deputy, A.N. Sivraj who okay. was the chair of all national guard federation mm -hmm, yeah. so so there is been effort of our uh, leaders to do that mm -hmm. and somehow post independence our leaders couldn't take that up mm. that's one of the mm. but the only leader mm. who took after this proactively were two mm. uh, who, who who really attempted in in the in their might uh, you know one was, of course, Kanshiram. Uh, Kanshiram uh, Kanshira started connecting and went to Japan. Mm -hmm. uh, he was, of course, in the UK. He was working around that line, and then you know his work was also based. But he didn't also went out and seek active solidarity. Mm -hmm. Consumed with self politics. Mm -hmm. That's why we need an 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 ambassadorial. Mm. Uh, people of our community who act as our emissaries for the world, mm. because we are also our people. Mm. We are unlike other uh, groups of India. We don't have that identity that will give us global recognition. Mm. If you are a Muslim, it's a Muslim global identity. Exactly, you have certain numbers of you know countries which can solidarity. Absolutely, in post nine there mm. is also solidarity in the Western world. Exactly, but also it's an Abrahamic faith identity. Mm -hmm. Jew. Muslim, Christian, they have this kind of a relation. Mm -hmm. But we can't. We don't have that because we are pure Indians. Mm. Our history is here. This country is ours. And we are very much located because this is the land of those people. Mm. So, for us to make an argument of that nature, we really need to bring caste and experience of untouchability mm. or related crimes of caste upon Dalits and other marginalized groups to that forum. So, the second leader uh with kanshiram uh, uh, before kanshiram uh, that that was working very actively was pn rajboj mm -hmm. pn rajboj was somebody who was with Bawa Sabambitkar and he had gone to japan and few other countries in europe had had traveled so these are the two leaders uh, who have who have worked of course then later the civil society activism mm -hmm. like uh, like paul Divaker and and other groups working in india were very much active when it came to conferences in, Central, uh, in South Africa, Durban, and follow-up conferences elsewhere, and they take this UN issue, but the Indian government has been persistently denying us that rightful uh, place to be recognized as equal beings in the United Nations forum. They are depriving us of our right to claim citizenship of the world. Mm -hmm. They are withdrawing our our our. Views of the world. Mm -hmm. uh, they want us to be rusticated to our Galli Mohalla. Mm. Just belong there. That's Ambedkarnagar. You should, you should not belong to big chambers of Palais de Wilson or Palais uh, de or, or or go to New York and have. They don't want us to. They don't want the Indian government, and it's, it's not this government. It's been since the policy of Nehru government, mm -hmm. and foreign policy has been consistent about this when it came to the issue of caste and untouchability. Mm -hmm. And this is the kind of injustice they do on a level where our people can't reach. Mm -hmm. So some, some of us are there who study, observe, who <coughs> see this injustice. Mm -hmm. And Indian government has been persistently, and everybody is naked in this, uh, in this, in this work when it comes to the government parties. Mm -hmm that they have consistently ensured that an autonomous dalit experience doesn't get registered for the world mm -hmm. so whenever we try to raise our head uh, we are not denied that's not a problem we are given space we can do mm. but we cannot have our own organizations we have to ask for some solidarity organizations to give us space and we have to talk about it and if we do then they, they take offense how come you go to a foreign country and and do all of these things so our a right to live mm -hmm. our right to express our right to have a free thought is curtailed by not allowing us to have that space internationally like indians government and indian peoples they do have some under carpet uh, you know under the carpet yes. mindset that if you have something trash you just put it under the <laughs> carpet they say that caste is an internal matter to us, and yeah. we will solve it. And you cannot just take it to the yeah. uh, international forum. So, do you agree with it that yes, caste is the internal problem, and Indian people cannot, they can deal with this. What is internal? What is external? Now, mm. we have to make clarity on that. Are you talking about sovereignty? Mm -hmm. If it's a matter of sovereignty, certainly, mm -hmm. no nation has a right to. Encroach upon other countries sovereignty then are you suggesting that caste is a part of our sovereignty mm -hmm. If it is then you are acknowledging that caste is a nation mm. our nation is a caste but they would not say it outright because that is uh, uno card mm. for them. what they then do is they constantly use this idea of not to interfere in our matters, which which is a very legitimate demand. Mm -hmm. The country can demand that's you. We, we have, that's a prerogative, and every country has the right to demand that. But the Indian government falls short in its honesty when it says oh, we can deal with these questions internally. Mm -hmm. Your channel. Constantly reports on what happens in India, and the report card is not satisfactory. Exactly, it is very worrying and jarring. Mm. And so when Indian government says it's a matter of our internal issue, why does it then go to UN with all other issues except caste? Mm. They can solve it like really you can solve not, it uh, domestically. Domestic like matter, go it, do it. When it comes to trade, mm -hmm. when it comes to all other issues, as I'm talking about, they use United Nations. They not only use United Nations to blame Pakistan, mm -hmm. but they use United Nations for all other purposes that deal them, <laughs> that concern them. Exactly. Yeah. Then why not cast? Mm -hmm. Why not then use other issues internally, domestically? Mm -hmm. Why is that forum there? That forum mm -hmm. is there for you to facilitate the dialogue. It really is an intergovernmental mm -hmm. exchange, but also there's an element of what United Nations. Nations' declaration of human rights is mm -hmm. the UN Charter, one of the fundamental documents for this UN existence is protection of human rights. That's why it was formed, and all of the countries are signatories. I think there are now 193 countries, of maybe now 94. So when I was there, it was 93. Mm -hmm. South Sudan had just joined. So, what, what we notice with this government's uh, repression of these issues is uh, that when it comes to issues of indians in south africa, mm -hmm. nehru took the issue to united nations. United and nations yes, the indians are mistreated. Mm -hmm. well, that's their sovereign matter. Mm. let them deal. why are you raising this issue? Mm. you deal with your own domestic issues. and and the, the apartheid government representative said, what about the untouchables in your country? and they immediately got mm -hmm. alarmed. So, it's a very hypocritical and unreal argument. If you are really committed to it, like what happens in America, mm -hmm. America is a very unequal society. But black representatives there do go. Mm. That's the democratic practice. And the government should be so transparent to say, we are trying our best. And, and if you want to assess us, fine. Don't just uh, uh, tell us, you can also go and tell the world, we are happy to be scrutinized mm. because we are committed to you. Exactly. And we are happy that we are, we are, we are, we are, we are trying to do our best mm -hmm. and of course we are not but we are happy to give you the platform because that shows our at least moral commitment to the mm -hmm. issue. They are not even committed morally mm -hmm. and we are not demanding sanctions on government. There is nothing we will tolerate against the integrity of nation, against the state, mm -hmm. against the values that, that, that prescribe the republic's existence. That's not something. That's part of our struggle to unify and to maintain exactly. And we people have never been the anti-national. We have How followed. can we? Yeah. Sumer, what other nation you have? Mm. Do you have any alternate nation? So how can you be against your own nation? <laughs> exactly. Where will you go by being anti-national? Mm. You are more national than anyone else mm. because your ancestors have toiled in this land. Mm. You care and cry and worry for this land because your ancestors have sacrificed their blood and sweat, but they were never written into the histories. Mm -hmm. That's why your heart cries tears because your access are unrecorded, yet they give. And what is it that maintains you? Because this is our nation, there's nothing, there should be no doubt that the people of this country, the Bahujans of this country, who belong to this country, are in any way doubted about our loyalty. Mm -hmm. We cannot be doubted about our loyalty. The loyalty should be doubted about those people who are taking the money from the government banks and absconding, claiming nationality in Caribbean countries or, or, or living in Western countries. Mm. Those are the people and their entire community should be just according. Mm. But we don't do any of that job. We are just raising the question of basic human rights guaranteed to us under India's constitution. Constitution is the only document in India. That is valid and applicable to every Indian, irrespective of the government, irrespective of the institutions. So, that is our guiding document. And if the constitution guarantees you as a fundamental right or a right according to the articles, it's your right to claim for it. Mm -hmm. And for us to rely on that beautiful piece of document is to recognize that we are still hoping that the Principles and values enshrined in this document are emulated in actual life. Mm -hmm. So, we want the words to have feet. We don't want the words to have a blackboard. Mm. We want it to exist, to walk with us, to live with us. So, we really live the life of an Indian that we deserve. But we are not given that right. We are not uh, a hypocritical country, people where the dominant classes and caste people. Uh, they send their children to english medium school and yet discourage our kids from going. they send their children to foreign countries, discourage from us. Mm -hmm. they watch american movies, tell us this watching american movies is a dirty thing. it shows all kind of obscenities and violence. that should not work. this is our country. nobody should doubt about our commitment to our country because it is here. Our ancestors are bred. This is the country that our ancestors have created. Mm -hmm. And it's our time to enjoy the fruits of the labour now. How can we be any of this? And so no Bahujan community person should ever doubt about their commitment to a nation. But they will not be zealots. They will not be paranoid nationalists. They will not be somebody who will carry flag on their, uh, on their back to declare their commitment they will not be maddened patriots. Mm -hmm. They will be a democratic citizens committed to the idea of constitutional morality and liberalism. Mm -hmm. And that is what we talk about respect to each other. Without that we cannot, we cannot have a equal dialogue. But what we demand is there is an inequality. Mm -hmm. Give us equality. Asking for equality in this nation has become anti-national. That means these people have made India so attuned to inequality mm -hmm. that anything challenged to inequality is considered anti-national. Mm. And they always you know blames the remedies to deal with it like reservation, the remedies there and they says okay reservation is something which is carrying the caste forever. See we have to understand reservation is only applicable to public sector. Mm -hmm public sector in india is not more than 7 to 8 percentage the statistics and easy. still it's shrinking because government is selling the and that, that's <laughs> what i was saying it's it, it varies depending on mm -hmm. what state you look and and how and and as you have rightly said the psus have gone as well so mm -hmm. the reservation is existing approximately 6 to 7 percentage of jobs and mm -hmm. of that 6 to 7 percentage of jobs only 2 percentage are reserved if you look at the Average. 98% hmm. of workforce is not having reservation. What are you talking about? Only 2% of people can create a threat that people are thinking that this is primarily responsible. Now, if you know mathematics, you can understand 2% and 98% <laughs> what it is existing. And reservation is a gratitude. From a grateful nation to those people who have been deprived of basic compensation. Mm -hmm. The country is saying, Thank you, Mr. Sumit Chauhan. Your forefathers and foremothers have toiled in this land, they have created greenery out of a barren land. They made this country an agrarian country, a country of produce and a country of production, a country of artisanry, a country of new technology. But whenever they asked for compensation, they were never given equal compensation. Mm -hmm. They were never shared. So, for 114 generations, legally, you were deprived of anything to do with equality. Equality in work, equality in compensation. Along with inequality, you were not given dignity. Mm. You were not respected for your work. You were spit on. You were given dead animal to eat. You were given a carrion so that you can carry on the business of tanning a leather, or you were asked to clean the shit of human being. Along with equality and dignity, they did not give you opportunity. There was no equal opportunity given. In the face of inequality, no dignity and no opportunity, yet you survived. And not only survived, you proved your true talent. Even after so much deprivation, you just sprung out and become Sumit Chahan or become Dr. Surajiangde. Thank you to you. Here's our little effort, very tiny, minuscule effort. We can't give you for all the sacrifices you have made, but this is our very penny help to you for our good. So you can again come back into the society and make our country good again. This is a thank you of a grateful nation made to the great people of this country. उंड सो नाइस काश ऐसा हो वो बोले इस देश में कम से कम ऐसा तो नहीं होता पर वही है उसकी पीछे की धारणा वही है उसी को लेकर हमने चलना चाहिए कि देश तुमको जब भी, भी रिजर्वेशन दे रहा है आपको बहुत नम्रता से झुक कर सलाम कर कर आंखों में आंसू आकर बोल रहा है थैंक यू दिल से तो जब भी रिजर्वेशन ले रहे हो ये ध्यान में रखो <laughs> अभी ईडब्ल्यू वाले भी ले रहे हैं वो क्या ध्यान में रखेंगे ईडब्ल्यूएस वालों का जो एजेंडा है hmm. वो प्रोपागेंडा है hmm. उनका जो लक्ष्य था कि इनको रिजर्वेशन देखकर हमने आ, जो है सीखना था वो सीख लिया hmm. अभी इसको हमको किस ना किस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर इसकी वैल्यू को कहीं ना कहीं कम किया जाए hmm. रिजर्वेशन एक जमाने में गाली होती थी अभी सभी लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं जाति का कोटा ये बहुत लोगों के लिए एक आहत भरा एहसास था अब लोग चाह रहे कि हमारा उस कैटेगरी में नाम आए कोर्टों में जा रहे हैं पिटिशन डाल रहे हैं तो ई का तो ये जो मामला है मुझे नहीं लगता कि सवर्णों के जो पिछड़े हैं उन तक उस तरह से जाएगा हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके अंदर के वो जो पिछड़े हैं सो उनको किस तरह से मदद की जाए पर सरकार की देखो कितनी स्ट्रांग नीति है माइनॉरिटी कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से अपना कोटा अपने से भरा हुआ कोटा खुद के लिए ले लेती है तो उनके पास तो सिक्सटी परसेंट हो गया लीगली फिफ्टी एंड टेन परसेंट तो ये एक समझने की बात है कि सिस्टम किसके फेवर में और किसके फेवर में नहीं है ओबीसी के आरक्षण को इतना समय लगाया लगाने में पर ई को तुरंत लगा दिया और ई डब्ल्यू एस ये ओ विरुद्ध लाया हुआ कानून है क्योंकि ओ के अंदर की जो कॉन्शियसनेस बनी थी उनको कहीं ना कहीं उसको लिमिट किया जाए उसके कहीं ना कहीं क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तो रिजर्वेशन है ही पर जहाँ तक तो ओ बी की बात है उनका भी है वोटो तो कॉन्टेस्टेशन में कोर्ट में नहीं। तो ये बहुत बड़ा ओबीसी को इनडायरेक्ट सबक देना चाहते हैं यहाँ का एस्टैब्लिश क्लास कि आप इसे एक्सपेक्ट मत करो हमारी पावर देखो कितनी है तो अब लोग कोर्ट में गए उस केस चलते रहे पर ये तो साबित हुआ मॉरली कि हु इज इन चार्ज हु नीड्स टू डू तो बहुत बड़ा मुझे लगता है लोगों को इससे सीखने की जरूरत है और रही बात अपॉर्चुनिटी की अगर सबर लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है वो बात भी गलत है पर किसके वजह से मिल रही है ये उनको बताया नहीं गया है <laughs> ये शेड्यूल का शेड्यूल ओबीसी की वजह से नहीं तुमको mm. अपॉर्चुनिटी तुम्हारी वजह से नहीं मिल रही है mm. आपका तो कोटा है ना अगर आप कंपटीशन में लड़ रहे हो अगर आपके फैमिली को पांच लोगों को दस किलो दिया है खाने के लिए और दस किलो आपके लिए साइफ है आप ये कर रहे हो बाजू वाले को कितना मिल रहा है दस मिल रहा है mm. नहीं, नहीं नहीं मेरे को पंद्रह चाहिए या कह रहे हैं मेरे को बीस चाहिए मेरे को आई डोंट वॉन्ट माई नेबर टू गेट दैट्स द काइंड ऑफ दे गेट्सिटी देव सर प्लस रियली एंटी नेशनल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एंडेमोक्रेटिक सूरज ये जिस तरह की आप बात बोल रहे हैं कि इन लोगों को कम से कम इस बात का एहसास होना चाहिए कि कुछ हिस्टोरिकली इनजस्टिस चीज़ें हुई हैं कुछ बहुत गलत हुआ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए आ, भारत में हम जब देखते हैं सवर्णों को उनको कोई गिल्ट नहीं होता इस बात का कि कितना कुछ बुरा उनके लोगों ने किया है इतिहास में कितना ख़राब उनके एग्जाम्पल्स रहे हैं ये गिल्ट उनको क्यों नहीं हो रहा क्यों वो पब्लिकली कभी अपोलोजाइज नहीं करते कि वी हैव डन सो मच रॉन्ग टू द पीपल ऑफ़ दिस कंट्री वी शुड बी फील यू नो पब्लिकली उनको एक बार सॉरी बोलना चाहिए हमने उनको मौका नहीं दिया मुझे लगता है हमने मेरे दिमाग में कॉन्फ्रेंस है mm. कि जहाँ पर हम सवर्णों को स्टेज पर बुलाए mm -hmm. और पब्लिकली खुद का गिल्ट जो है mm. कन्फेस करने के लिए हम बता बोले वी शुड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू डू दैट वी शुड ओपन द गेट्स एंड डोर्स एंड स्टेज एंड लेट देम हैव द मोमेंट ट्रूली फील ह्यूमन जब आप गलती का ये करते हो स्वीकार तो आपका कितना बड़प्पन दिखता है और बड़प्पन के साथ जिम्मेदारी भी आप स्वीकार कर लेते हो हु। कि सॉरी उस जमाने में मेरे से गलती हो गई सिर्फ सॉरी तक नहीं रुकता है कन्फ्यूज भी होता है बड़प्पन भी दिखता है पर अपने रिलेशन में और जो है नजदीकियां बढ़ती है बट हम लोग जातिवाद भी सहें हम उनकी मार भी खाएं हम इनजस्टिस भी झेलें डिस्क्रिमिनेशन भी झेलें इतना कुछ झेलें और फिर उनको समझाएं भी हम ये भी जिम्मेदारी हमारी कि हम उनको एक बेहतर इंसान बनाएं उनको समझाएं कि तुम गलत हो समझ जाओ मतलब ये तो विक्टिम है हम लोग हम लोगों को तो नहीं समझाना चाहिए उनको हम समाज के पिता है पिताजी का काम फिर फिर समझाना होता है कान मरोड़ के समझाना होता है अब वो ना समझ है बच्चे हैं, और ना समझ बच्चों को पिताजी थोड़ी छोड़ देते हैं <laughs> तो हमारी जिम्मेवारी है कि बच्चों आप गलत कर रहे हो क्योंकि समाज की हिस्टोरिकली जिम्मेवारी हमने ली है अभी भी हमारी जिम्मेवारी आई है अब वो ना समझ है तो हाउ कैन वी गिव अप क्योंकि हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो खून करुणा का है hmm. वो खून प्यार का है समझदारी का है लेन देन का है संवाद का है आतंक और हिंसा का नहीं है hmm. वो खून किसी की गैर बराबरी या किसी का अपमान करना नहीं है वो खून एक विचार है जो विचार मानव हित के लिए काम करता है अब आगे वाला व्यक्ति अगर नहीं समझ पा रहा है या ना समझ पा रही है हम फिर भी समझाएंगे आज नहीं तो कल समझ जाएंगे पर यह नहीं कि यह समझाना हमारे लिए एक हमारी लिमिटेशन है समझाना हमारी फितरत है पर लड़ना भी हमारी फितरत है कुदरत का नियम है तो जब तक समाज के लोग समझेंगे नहीं कि हम आपको समझा रहे हैं ये खूबसूरत बात है अब इसको समझो इससे काम करो आपका भी भला हो जाएगा तो मेरे विचार में दो कॉन्फ्रेंसेस थी हमने कभी रिकन्सिलेशन किया ही नहीं, नहीं। कुछ लोग खैर इस चीज़ को मानेंगे नहीं और मैं उनके क्रिटिक्स को भी समझता हूँ वो बोलेंगे कि आप क्यों रिकन्सिलेशन करें काम नहीं बनता है लोग आके सॉरी बोल देंगे फिर वही स्ट्रक्चर उनके पास रहेगा

मॉडलिंग इट ओ दिस डिज वर्क ये ठीक नहीं हुआ गिरेगा तोड़ दो फिर बनाओ तोड़ दो फिर बनाओ जब तक स्ट्रांग नहीं बनता है एंड वंस वी एव स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दिया है तो अब उसको स्ट्रेंथ बनाने में हमको ज्यादा समय बिताना होगा और वो बन सकता है कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह का यूटोपिया है मैं भी लेक्चर दे रहा था बॉम्बे में यूटोपिया आपके ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशनल यूटोपियन आइडिया है पर हम जी रहे हैं उससे तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमको अधिकारों की बात आ जाती है यार जिनको कभी अधिकार का तक औकात नहीं थी वो आज कोर्ट और पुलिसों में जाके ऑफिसों में जाके अधिकार मांगते हैं ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा परिवर्तन है ने? लोगों को लॉन्ग ड्यूरे में, में समझ आएगा तो सुमित भाई समझाने की जहां तक उनकी उनकी बात आई ये एक हो सकती है ग्रीविंग कॉन्फ्रेंस जहाँ पर हम ग्रीव करें कि एक दूसरे के दुख के प्रति और दुख और ग्रीव जब आंसुओं से संबंध बनते हैं वो काफी स्नेही संबंध बनते हैं आपके आंखों से बहने वाले आंसू और मेरी आंखों के बहने वाले आंसू का कारण अलग हो पर एक इमोशन से अगर बह रहे तो उसका संवाद काफी गहरा हो जाता है उसकी चोट काफी गंभीर होती है वो एक विचार है और दूसरा विचार है कि समाज के लोगों को बुलाकर बुला, बुला जाए कि देखिए इस तरह का जो है ये अपवाद है कोशिश करके देखते हैं और मुझे लगता है कोशिश होनी चाहिए इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर पर तोड़क मंडल के इसके बहुत मना करने के बाद फिर स्वीकार करते हैं कि उनका एक उनको लगा कि प्रयास है तो अलग लेवल पर प्रयास मैं हमेशा समझता हूँ अपनी प्रॉब्लम्स ऑक्टोपस के पैरों की तरह है अनेक है उसको एक ही सोल्यूशन नहीं दिया सकता एक ही उसको हथकड़ी से रोका नहीं जा सकता उसके बाकी वो <laughs> काम तो करते रहेंगे वी नीड एवरी अदर सोल्यूशन दैट वी कैन गेट ऑन टेबल एंड नो वन सोल्यूशन इज अ प्योरेस्ट सोल्यूशन दैट सोल्यूशन हैज कॉन्स्टेंटली री इमेजेंड चैलेंज एंड री एक्सिबिटेड फॉर अस टू देन हैव न्यू आइडियाज दैट वी कैन सीमेंट बिल्ड द सोसाइटी बहुत सीरियस डिस्कशन हो गया मुझे लग रहा है मेरे बाल नहीं है थोड़ा <laughs> लाइट कर देता हूँ थोड़ा <laughs> हंसना हंसना भी ज़रूरी है मेरे बाल नहीं है ये जो बाल हैं सूरज कितनी बार शैम्पू करते हो ये स्टाइल क्या है हाउ डू यू मैनेज यार मेरे को ना ये मेरे नेचुरल बाल है ये ये मेरी गैर बालिक भावनाएं आ तो रही है <laughs> आपको तो आपको तो... <laughs> ये, ये जो है मेरे बाल नहीं है और ये भाई साहब देख के एकदम इतने सारे बाल मेरे को बहुत खुशी हो रही कि किसी भाई के सिर पे तो बाल है ये लाइट हो गया इंटरव्यू भाई बहुत बार शैम्पू करना पड़ता है मैं तो पानी डालता हूँ और काम हो जाता है नहीं है। मेरा भी ऐसी है मैं तो पानी क्या होता है कि बाल का क्या होता है देखिए जिसको बाल होते हैं मुझे एक्चुअली किसी ने बताया मुझे पता कभी मेरे भी थे ऐसा भी कभी थे नहीं, नहीं मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं <laughs> वो तो आपको आपके शायद बाल जाकर सदियां पीती होंगी <laughs> <laughs> हाँ अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कभी थे ही नहीं, <laughs> नहीं तो उसमें दरअसल क्या हुआ कि बालों को जो है कि नरिशमेंट लगता है हुँ. और आपके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं बढ़ाना शुरू किया hmm. तो मैंने सोचा लिख रहा हूँ ये एक्चुअली मेरे प्रोफेसर प्रोफेसर हेनरी लुइस गेट्स ने दिया है hmm. जो हार्वर्ड के प्रोफेसर है उमदा प्रोफेसर है उन्होंने मुझे ये कहा कि दिस इज डेफ्रो तो मैंने ठीक है और यस और फिर वही कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा एकेडमिक लाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑक्सफोर्ड में मुझे थोड़ा उसको चैलेंज मिला क्योंकि इट्स अ कॉन्जर्वेटिव इंस्टीट्यूशन वो नए कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करते बट आफ्टर ऑक्सफोर्ड आई विल टेक इट फॉरवर्ड तो हफ्ते में मुझे लगता है एक आध बार uh, इसको शैम्पू कर लिया बट मेरा प्रॉब्लम यह है कि यार प्रॉपर उसको तेल मालिश लगती है <laughs> प्रॉपर इट्स गुड फॉर हेल्थ देखिए मैं अपनी एटलीस्ट इंडिया में औरतें काफ़ी करती है जो उनका जो एक आ, अपनी माँ को देखते हैं या पार्टनर्स को देखते हैं बहनों को देखते हैं उनका एक रिचुअल होता है यार वो वो लगता था क्या कर रहे हैं फिर जब मैं तो इतना संवेदनशील हो गया औरतों के आ, आ, एस्थेटिक्स को लेकर जब बालों का जब तक तो अनुभव नहीं आता है तब तब तक आप ये नहीं कर पाते हो एटलीस्ट उतनी तरीके से तो फिर समझ में आया कि तो फिर उसके बाद जो है कौन सा शैम्पू लगाना चाहिए कौन सा कंडीशनर मैं बहुत ट्राई किया हूँ बहुत कौन सा है कुछ नहीं तो मुझे लगता है कि पहले बहुत ट्राई करता था कि बिना केमिकल का कुछ किया जाए वगैरह 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 बट आई डोंट थिंक दिस थिंग वर्क सो सो ट्राई टू गेट यू नो गुड शैम्पू और मुझे लगता है हफ्ते में शायद पाँच दिन में एक बार करना चाहिए hmm. और सुबह में ऐसे उठता हूँ और धोने uh, की कोई ज़रूरत नहीं उसको बस बांध के रखो एंड डू इट वंस एवरी फाइव डेज सिक्स डेज आई ट्राई टू मेनटेन देट एंड ट्रैवलिंग में क्या हो जाता है कि मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी हो जाती है तो समटाइम्स इट्स डिफ़िकल्ट टू कभी कभी शावर जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है अरे यार प्लान था आज धोने का पर शॉवर ने बेचारे ने धोखा नहीं दिया सो यूल है फिर वो कभी कभी हो जाता है तो और बालों का क्या है कि पहले मुझे को बाल पसंद नहीं थे मेरे क्योंकि मैं क्योंकि शाहरुख खान और सलमान खान के जैसे तो हमारे बाल नहीं है पर उन्हीं के बाल एडवर्टाइज किया जाता है तो काफी वो इन्फेटी कॉम्प्लेक्स रहता था लोग मुझे एक्चुअली घुंघराले uh, बाल का करके गाली देते थे हीनता जो होती है वो बताते थे और मेरे मदर के ऐसे बाल है और मदर के मदर के भी ऐसे बाल है फिजी एंड ऑल तो ये जो हेयर का जो आ, तो मैं हमेशा बारीक करता था नहीं। बढ़ने नहीं देता था नहीं। और जो मेरे दोस्तों के जो जो सीधे बाल जो थे हमेशा सोचता था इनके जैसे क्यों ना है क्योंकि नहीं। नहीं। वो उस तरह से कंगी करते तो मेरा नहीं, नहीं बनता था तो नहीं। 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 फिर बढ़ाना शुरू किया और इट्स माई वे ऑफ लविंग माई सेल्फ लविंग माई मदर क्योंकि मैंने मदर को बोल दिया था आपने मुझे इतने गंदे बाल दिए आई हेट यू और अभी मैं मदर को एवरीडे बोल रहा हूँ आई लव यू ग्रेट और बालों पे बाबा साहेब का जो स्टाइल था हेयर स्टाइल बिकॉज उनके बाल काटते नहीं थे लोग तो उनकी बहन yes, काटती yes, थी yes, फिर वो खुद काटती थी तो बहुत बार उनका वो कई पिक्चर्स में आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हेयर स्टाइल <laughs> वो मेंटेन नहीं हुआ तो हमारे लिए तो हेयर स्टाइल रखना

पर उनके भी मुझे लगता है एक दो फोटो में काफी घुंगाले बाल दिखते हैं लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक फोटो में शायद दिखते <coughs> और ठीक तो, मतलब, <coughs> है बाल जिसके हो जैसे हो उसमें क्या है मतलब यू कैन है आइडिया इज टू सिग्नेचर अपॉन इट एंड मेरे शरीर पे बाल मेरे अपनी मुँछे मेरे शरीर पे निकल रही हैं इस वजह से भी लोगों को दर्द होता है हाउ कैन वी एक्सेप्ट इट कि हम मेरे बाल हैं ना भाई मैंने मुँह बढ़ा ली मेरी कुमार डालोगे कितनी इनसिक्योर सोसाइटी है कि हमारी खूबसूरती इनके लिए आतंक है सो नहीं पाते हैं और, और हम 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 जो है हम खूबसूरती से विदाई ले नहीं सकते क्योंकि <laughs> हम खूबसूरत लोग हैं hmm. हैं और खूबसूरत लोगों का वो इस तरह का होता है मोर की तरह जिंदगी होती है hmm. सब चाहते हैं कि मोर के साथ रहें hmm. सब चाहते हैं कि मोर जैसा बने सब चाहते हैं कि थोड़ा मोर का पंख मेरे को मिल जाए hmm. सब चाहते हैं तो हमारे भी है वी आर uh, और एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं ब्यूटी <laughs> कंपैशन और लव के बारे में अगर असेसमेंट किया एंड वी हैव आवर ओन डेफिनेशन ऑफ लव एंड ब्यूटी यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज लव एंड ब्यूटी फॉर अस ब्यूटी आई मीन सी आवर लव इज अ अ कमिटमेंट कमिटमेंट टू अदर पर्सन वनडरेबिलिटी And insecurity mm -hmm. and fears, it is a sanctuary of suspended fears of other people's desires. And our love <coughs> is is a very challenging act mm -hmm. that wants to keep on teasing the the. pin and points that kind of regulate how to make love because people have pointed out mm -hmm. how to make love mm -hmm. go here go there our love is like a bird flying in a sky no direction It goes where the destination is where you make yourself available. Our love is sincere. It is sincere, and for one to realize the sincerity of love, mm -hmm. they have to uplift themselves to the level of sincerity so that you can fathom. The sincerity in our love. Our love is assessed by a capricious society that is mendacious and then assesses. When I am insecure about my own self and my own understanding how can i appreciate the love of other person who is giving to me? Mm, because my position is <clears throat> a position of being a suspect. Mm. and yet, our love has created an ecology for the world to survive, even though it has a tendency to destroy itself. so our love is a floating, Element mm -hmm. that has kept our human possibilities sustaining and not given up. It's like the air that is floating in any direction mm -hmm. and not discriminating anybody. And if you want to. Embrace that air, that air is yours. If you know, reject it, <clears throat> it's just gone. Mm. It is this passing phenomenon. Mm. It is, if you can feel the coolness of this air in a dry desert, you have found the kernel of the little love. If you are able to taste the nectar of this flower, mm -hmm. Without having to break the flower from the plant, you have found the little love. If you have realized that the greenery on tree is not a dressing, but the nature of the tree, then you have realized that is the little love. Wow! <laughs> and when you notice mm -hmm. that love. Is more than touch, it is about feeling of that touch that runs like a current in your body. You have found the little love. When you see outside aimlessly and yet find a pleasure for not having aim, you have found the little love. When you see black is not a crime and white is not God, and find colors in one color, find taste in one subji, find smell in normal air, mm -hmm. you have found the lightness of it. And for that to happen, you need to go deep down into yourself, knock the door of that room that you have closed or that have been asked by people for you to close, and you open it. The pigeons and doves that are waiting there to liberate, and as they go, you feel that a moment of your time has come, and when you are thinking that I can possibly make love, exchange love and make language as love you have arrived to our stage where we are. so we welcome you all. <laughs> wow you just recorded a poem actually <laughs> that's a poem you just you know <laughs> recited that's so nice how a scholar you know defines love Wow. ग्रेट ओके <laughs> okay. uh, आगे बढ़ते हैं डेफ्रो से बात शुरू हुई थी तो डेफ्रो को हम लेके आते हैं ब्लैक्स लोगों के साथ में क्या जो ब्लैक मोमेंट है अमेरिका का अफ्रीका का उनसे इंडिया के जो दलित लोग हैं क्या सीख सकते हैं क्या कोलेबोरेशन सोलिडारिटी हमारी उन लोगों के साथ हो सकती है उनके एक्सपीरियंसिस से हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं वहाँ के लोगों ने काफ़ी जी कल्पना को लेकर उन्होंने जो है साढ़े तीन सौ साल तक उनको बांध के रखा था फिर भी उन्होंने सोचा कि एक नया संसार बना सकते हैं हर फील्ड में उन्होंने मौका बनाया नहीं। मौका नहीं था तो मौका लिया और वहां का लिबरल भी उनको मदद किया जो व्हाइट था और उन्होंने इस तरह से खुद को साबित कर दिया कि उनको तीन चार जनरेशन में दे बिकेम सुपरस्टार्स वी आर ऑल्सो ऑन द पाथ हमारी फोकस सेकेंड जनरेशन वी आर ऑल्सो लाइक दैम इन मेनी एक्सपीरियंस ऑफकोर्स आवर हिस्ट्री इज लॉन्गर बट द लैंड ऑफ पेन एंड द लैंड ऑफ जॉय इज लाइक द रिलेशनशिप ऑफ डे लाइट and night light mm. we are still there mm. we can experience it and so our understanding is also that for us night is not a curse and neither day is a blessing mm -hmm. for us night is a blessing as well as day is a blessing and it is as well as curse for our um, our own feelings so they have recognized that so kale जो हमारे लोग हैं जो ब्लैक लोग हैं उनकी संस्कृति से आज तो यहाँ के सवर्ण उनको एमुलेट कर रहे हैं उनके जैसा बाल बना रहे हैं उनके जैसा रैप कर रहे हैं उनके जैसा दुख खुद को दुख देखना चाहते हैं हालांकि उनके पास वो नहीं है चोरी का माल यहाँ अलग इससे बेच रहे हैं कविताएं साहित्य लिख के उपन्यास लिख के बेच रहे हैं बिल्कुल वही बिल्कुल और ये सब सेकेंड रेट इंडिया में जो है थर्ड रेट आइटम चलते हैं पश्चिम बनाता है फिर उसको कंज्यूम ईस्ट वाले करते हैं और वो करते करते इंडिया वाले उसको थर्ड रेट की क्वालिटी में ला के रख देते हैं तो सवर्णर स्पेशली इंडिया वाले मतलब क्या सवर्णों का जो लॉजिक है उसी तरह से काम करता है आप उठा के देख लो कोई भी इंडस्ट्री में मेजोरिटी में यही देखेगा आपको नथिंग ओरिजिनल इज देयर ओरिजिनल रहेगा भी कैसे पसीना बहाने वाले ओरिजिनलिटी ला सकते हैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है मेरे पास जो यहाँ बहुत हम लोगों से पूछा जाता है मेरिट क्या होती है वॉट इज मेरिट सूरज इंगोसॉफी में hmm. uh, इसका तो बहुत बड़ा साइंस है एक्चुअली uh, uh, मैंने हार्वर्ड में ही एक प्रोफेसर थी विजिटिंग बट शी थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ब्लैक वूमेन इन वो काम कर रही थी रिजर्वेशन ऑफर एक्शन ब्लैक कम्युनिटीज के ऊपर तो मेरिट की जो धारणा थी देर ऑल्सो ग्रैपल विध इट इन मैनी क्या बोलते हो मेरिट मतलब टैलेंट मेरिट मतलब मेहनत मेरिट मतलब मार्क्स मेरिट मतलब एबिलिटी मेरिट मतलब एंटाइटलमेंट मेरिट मतलब अपॉर्चुनिटी मेरिट मतलब प्रेफरेंसेस मेरिट मतलब जॉब मेरिट मतलब रिकमेंडेशन मेरिट मतलब कम्युनिकेशन मेरिट मतलब सरनेम्स मेरिट मतलब द एबिलिटी टू फाइट बैक वॉट इज आई आव गिवन यू ऑल दिस एक्सप्लेन व्हाट इट इज विल टॉक अबाउट इट मेरिट इज ऑल दिस एक को लेकर मेरिट नहीं बन सकता पहले वो तो क्लियर करो उनके क्लैरिटी नहीं है मेरिट का मतलब क्या है hmm. उनका मतलब यह है कि मार्क्स से लेकर मेरिट है uh, फिर मार्क्स में भी बहुत चीजें जो मैंने अभी बताईक्ट इज इट योर रिकमेंडेशन इज इट योर योर नेपोटिज्म इज इट फैमिली नेम ऑल ऑफ दैट देट इन टू इट नॉट भी आइसोलेटेड एंड लुकड तो बट वो लोग देखते हैं इसको समझते हैं कि ये मेरिट है इसको इस तरह से बनाया गया है इसको इस तरह समझा गया है hmm. कहीं ना कहीं वो बिचरे भूले बिसरे लगे हैं hmm. और दया आती है समझ नहीं पा रहे कि कहां तक जा रहा है मेरिट uh, को अगर समझा जाए तो इट्स इट्स ए इट्स इल सम ऑफ मेनी थिंग्स पुट टुगेदर इट्स नॉट वन थिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली इफ यू हैव ऑल ऑफ दैट मैं समझता हूं मेहनत और राइट अपॉर्चुनिटी कैन बी डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ वन टाइप ऑफ मेरिट इफ यू हैव टू राइट अपॉर्चुनिटी एंड मेहनत अब राइट अपॉर्चुनिटी में उसको सपोर्ट आता है गाइडेंस आता है बहुत कुछ चीजें आती हैं सो इट्स अ लॉन्ग काइंड ऑफ एंटेलिंग प्रोसेस एंड इट इट एज बिफोर कमेंटिंग ऑन दिस तो उनको आंसर मिल गया होगा जो मेरिट की बात करते रहते हैं काफ़ी देर हो गई बात करते हुए तो आखिरी कुछ सवाल ले रहा हूँ वी आर अबाउट टू यू नो रैप अप मेरा तो मन करे रात भर बैठ के हम बातें करते रहे यार वो आपका जो ऑलिव ग्रीन जो ब्लेजर है, है? वो काफ़ी अच्छा विजुअल आ रहा है तो मेरे को देख के बड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज यू नो इट फील्स लाइक वो अंधेरे में जो उस तरह का वो दिखता है ना रात में आ, थोड़ा सा उस तरह का कलर झाड़ में वगैरह ये दलित ब्लेजर भी पहन सकते हैं क्या क्या बात <laughs> और काफी खूबसूरत लग रहे हो माशाल्लाह सो वी आर दलित वी आर एक्सपेंसिव एंड वी आर ब्रांडेड यस अपना तो वही है वी आर एक्सपेंसिव या एनीवे मेरा एक और सवाल है सूरज uh, अभी हम यूएस से बहुत सारे ऐसे केसेस uh, देख रहे हैं जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जैसे सिस्को का केस हुआ और भी आ, एक अक्षरधाम मंदिर का वहाँ पे केस आया था जहाँ बॉन्डेड लेबर हमारे लोगों से कराए जा रहे थे गूगल में भी देर वॉज अ कॉन्फ्रेंस विच वॉज कैंसल लेटर तो वहाँ के कॉरपोरेट्स में खासकर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केसेज आ रहे हैं उसको लेके हम क्या ये अब इस अपने दावे को और ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं कि कास्ट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ हाउ डू यू सी इट इन इन टर्म्स ऑफ यू

उन्होंने रिकमेंडेशन दी एक्सपर्ट्स ने कि हाँ कम बनना ज़रूरी है पर कंजर्वेटिव सरकार ने हिंदू के वोट की वजह से दिया नहीं।, नहीं और हमारे जो बाल्मीकि समाज के लोग थे उनको झूठा उनकी साइन ली फिर उनको गुस्सा आया फिर वो ये जो सवर्ण हिंदू एक ब्राह्मण एक हिंदू कोई मंदिर था वो हमारे बाल्मीकि समाज के लोगों को उल्लू बना रहा था तो उसको पकड़ लिया गया तो इस तरह का जो एहसास हमको दिखता है फिर आप वियना में आ, जो वहाँ पर आ, जो संत लोग थे उनकी हत्या कर दी गई जो पुरखे जो बात कर रहे थे गुरु रविदास की जी फ्रॉम रविदास कम्युनिटी वाज़ देयर तो तो ये खून हो जाते यार आपके तो आप फिर भी कह रहे हो कि ग्लोबल नहीं है तो ये तो ये निगेटिंग इसको और कितनी दृष्टिकोण से कितनी भाषा से कितने रिसर्च से, से बताया जाए mm -hmm. और ये सब एक तरफ रखो हम्म mm हम्म -hmm. <coughs> पर व्यक्तिगत अनुभव से ज्यादा बड़ा टेस्टामेंट और क्या हो सकता है mm -hmm. उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हो mm -hmm. तो इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड द वर्ल्ड इज देयर वाज अ रिपोर्ट ऑन बीबीसी जिसमें एक अपने देयर वाज अ टेस्टिमनी एक्चुअली कि उसके जो सीनियर्स लोग हैं कलीग लोग हैं वो उसकी पीठ हाथ मार के yes, देखते yes, थे। यस यस, पता है। पहना है है? किसने पहना पहना कि नहीं पहना <laughs> है, uh, सुमिंक yes, yes, yes. तो है। इतनी मक्कारी इतना दिमाग इन चीजों में लगा लेते हैं <laughs> यूएस में किस किस तरह से जातियां पता करते हैं आपकी यार बहुत से टाइम ना इधर तो हमसे सीधा पूछ लेते कौन जात हो भाई सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट आर द वेज टू लुक एट योर कास्ट यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यू हैव टू आस्क डिफरेंट पीपल्स इन डिफरेंट फील्ड्स क्योंकि हुँ. मेरे तो फील्ड uh, में जो मेरे को अनुभव है हुँ. वो क्योंकि वो तो मेरा नाम है तो बट कुछ लोगों के जो मैंने अनुभव सुने वो काफी मतलब डरावने वाले थे uh, uh, उनको जो है आ, उनकी सीक्रेट्स ग्रुप बना देते हैं पता चलता है और क्या बहुत से क्या होता है कि आपकी आईआईटी की रैंक जो होती है आई आई स्पेशली वो आपके कास्ट के हिसाब से दी जाती थी तो आपको रैंक को लेकर वही सिस्को का भी वही मामला था और बहुत से टाइम क्या होता है कि आपके बैचमेंट्स को पता होता है और फॉर्चुनेटली सारे लोग ऐसे नहीं है नहीं। बहुत खुशी की बात है पर जो करने वाले हैं वो इतना घुसे हुए इसमें क्योंकि देखो वहां पर वो तुमको सीख जो मिली है वो सीख मेंटेन करने की आपको मौका दिया गया मेंटेन कर लो भाई ये तो है जो है देखा जाएगा काइंड ऑफ सिचुएशन तो उसको लेकर काफी चिंता का विषय है और अलग अलग इंस्टीट्यूशन है और केवल ये एक धर्म तक सीमित नहीं है नहीं। अनेक धर्मों का इसमें हाथ है अपने अपने धर्मों के हिसाब से तो हर धर्मों hmm. में जाति धर्म के जो पटखंडे हैं वो लगे हुए तो आ, ये क्यों करते हैं तो ये तो पता नहीं पर ये बात है कि उनको हेजेमोनी वहाँ लानी है उनको वहाँ बताना है क्योंकि देखिए अगर सवर की जात निकाल ली है तो उनके पास बचेगा क्या वॉट एल्स एंड फॉर मी टू मेंटेन माई unearned privilege without having to do any mm -hmm. and have an additional stage above you mm -hmm. for me is to just tell that I am from this caste mm -hmm. so morally I feel that I am superior although it has nothing to do with actual uh, give and takes but that's how it's manifested mm -hmm. uh, एक सवाल है मेरे पास सूरज जैसे आ, आप गए हार्वर्ड गए साउथ अफ्रीका गए ऑक्सफोर्ड में हो विदेशों में पढ़ाई लिखाई को लेके क्या हमारे जो बच्चे हैं जो स्कॉलर्स हैं उनको और ज़्यादा मेहनत करते हुए और ज़्यादा अवसर हासिल करने चाहिए ग्लोबली हमें ज़्यादा बाहर जाके पढ़ना चाहिए कैसे देखते हैं कितना ज़रूरी हो जाता है विदेश में जाके पढ़ाई करना बहुत जरूरी जो होता है आप यहाँ पे सेकेंडरी ज्ञान क्यों ले रहे हो ये भी जो पढ़ा रहे वहीं क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ की संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं वहाँ से जो ट्रांसलेट हो आ रहा है या जो समझ रहा है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दुनिया में है मानो या ना मानो उनकी उनके जो मॉडर्न इनोवेशन से वो आपको दे रही है यहाँ के लोगों को वहाँ जाके रिसर्च इनोवेशन करना पड़ा तो बात तो यही है वहाँ पे एक कल्चर है रिसर्च का डेमोक्रेसी है क्लास में प्रोफेसर को पहले नाम से बुलाया जाता है एक काइंड ऑफ फ्रेंडली अनुभव है बिकॉज यू आर ट्रीटेड एज इक्वल ट्रीटेड एज अनुल द्रोण और एक लव्य की दास्ता नहीं है नहीं। क्लास के बाहर बैठने वाली परिस्थिति नहीं है चैरिटेबल होते हैं प्रोफेसर जनरली क्योंकि वो जो है वो भी प्रोफेशनल रिसर्च होते हैं हैं प्रोफेशनल टीचर्स होते जिम्मेवार से काम करना समझते हैं आपको अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है अपॉर्चुनिटीज की जो दायरे है वो बढ़ते हैं आपका कंपटीशन का स्तर बढ़ता है अगर आप पहलवान हो अगर आपको उस अखाड़े में ले जाया जाए जहाँ पर आपको ज्यादा चैलेंजेस हो तो आप खुद अच्छी तरह से तैयार हो जाओगे तो आपकी एबिलिटीज को जब तक शार्पन नहीं होते जब तक आपको चैलेंजेस उतने एडेस नहीं मिलते आपकी ट्रू टैलेंट समझ में नहीं आएगी और आपको बढ़ने के लिए बहुत चैलेंजेस की जरूरत पड़ती है तो ये आपको बड़े कॉम्पिटिशन लेवल पर जाना चाहिए और युवाओं ने सच में फॉरन के लिए तैयारी करनी चाहिए और लोग कहते हैं पैसे नहीं है तो सरकार से मांगो सरकार से नहीं अफोर्ड करो पर दिमाग में ये डाल तो लो कि मुझे फौरन में पढ़ना वो दिमाग एटलीस्ट विचार लाओ दिमाग में आपकी सोच बदलना शुरू हो जाएगी आप खुद को अलग तरीके से देखना करो खुद को नापोगे और कोशिश करो वो कोशिश वो सपना मैं लोगों को देना चाहता हूँ एटलीस्ट सपने में जिए और क्या होता है कि अगर वो सोच में बड़ी दूंगा आपको तो बड़ी सोच से जियोगे आप और एक रात दिन हासिल करोगे और ना भी करोगे तो उस सपने में जिया तो अच्छा जिया ख्वाब भी देखा तो ऐसा देखा कि मजा आ गया नहीं तो डरावने सपने क्यों देख रहे हो सही बात है यहाँ रह के आप रोहित वैमूला जैसा आ, क्यों आप भुगते हैं आप बेहतर जगह पे जाएं बहुत बढ़िया बात सूरज बता रहे हैं कि हमें सपने देखने चाहिए और विदेशों में जाकर जो अवसर हमारे पास हैं जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हासिल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए बहुत जरूरी बात है सूरज मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ उसके बाद हम रैपअप करेंगे इफ़ यू यू टू टू समथिंग दैट्स अप आ, भारत में अभी जो मौजूदा सरकार है जो जिस तरह के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं दो आर रूलिंग दे आर इन टू पावर आ, हम उनको लेके बहुत ही डरे हुए भी होते हैं बहुत बार क्योंकि लगातार भारत में ये मंत्री सरकार के लोग ये कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए एक सत्ता में बैठी हुई पार्टी के लोग संविधान की कॉपीज़ को जलाते हैं और धर्म गुरु सीधा कहते हैं इसको देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए तो चूंकि आप एक स्कॉलर हैं और दुनिया भर की एक अलग नज़रिए से भारत को देखते हैं ये जो हिंदू राष्ट्र का संकट हम हमें यहाँ भारत में रह के नज़र आता है आपको कैसे नज़र आता है कि क्या इसकी गुंजाइश है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या ये फेल हो जाएगा आइडिया अम्बेडकर जब तक जिंदा है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता बाकी कोई भी नेता जिंदा रहो गांधी से लेकर और भी हिंदू राष्ट्र रह सकता है पर हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा जो पॉइजन है सबसे बड़ी दीवार है सबसे बड़ी गहराई है खाई है यह अम्बेडकर है अम्बेडकर प्लुरलिज्म की बात करता है अम्बेडकर विचार <coughs> विद्रोह की बात करता है अम्बेडकर विचार एकात्मता एकाधिकार जो शाही है उसके खिलाफ लड़ने की एक वैचारिक पूंजी आपको देता है तो जब तक अम्बेडकर है और अम्बेडकर के अनुयायी है तब तक इस विचार को अमल में लाना मुश्किल हो सकता है पर क्या अम्बेडकर के अनुयायियों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है क्या ये एक चिंता का विषय ये एक मंथन का विषय है और मुझे लगता है ये अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अम्बेडकर को ये सेलिब्रेट करेंगे और थोड़े दिन का नशा दिलाएंगे और फिर उसी अम्बेडकर के विचारों को ये आपस में खत्म करने की कोशिश करेंगे और अम्बेडकर ये खुद भले बहुत खूब जानते थे इसलिए बाबा साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमको उनका लिखा हुआ साहित्य दे के गए कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है धम्म की तरफ भी गए तो 22 प्रतिज्ञा दे गए ताकि उसकी कोई गलत इंटरप्रिटेशन ना करके ले पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट बोला कि किस चीज को मैं स्वीकारूंगा नहीं सात से आठ पॉइंट उन्होंने बोले कि तो बाबा साहब ने जो हमारे समाज को जो दिशा दे के गई है वो तो काफी दर्शक है और जब लोग कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र की बात है कि हिंदू राष्ट्र की बात दुश्मनी की बात कर रहे हैं हम दोस्ती की बात करते हैं हम अपनी वाली बात करते हैं तो इसके लिए हिंदू राष्ट्र की बात असंवैधानिक बात है और असंवैधानिक चीज़ें हो रही है तो देश के खिलाफ इंटीग्रिटी के खिलाफ की बात है इट कैन बी अ इंटरनेशनल मैटर बट इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन चेंज कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन ने वो भी हक दिया है तो आपकी क्या पोजीशन है आप क्या चाहते हो आपको अपने संगठन बनाने होंगे आपको अपने लोग तैयार करने होंगे आपको अपनी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन बनानी होगी आपको अपना एक अस्तित्व रखना होगा आपको बाकी जो एलाइज़ हैं जो आपके साथ गठबंधन में रह सकते उनके साथ किस तरह से जा सकते उसके बारे में सोचना होगा ये चीज़ों को आपको सब साथ में सोच कर जब आप इस विषय का चिंतन करोगे तब आपको इसमें से काफ़ी पर्याय मिलेंगे और मुझे लगता है भारत का समाज ये परिपक्व है ये वाइज मैच्योर है ये इसके आ, जो कठिनाइयां हैं उसको बखूबी ये फेस करेगा बखूबी फ़ेस करेगा और जब भी ज़रूरत हुई है हमेशा हमारे लोगों ने इस देश के आइन को बचाने के लिए बानियाँ दी हैं और हमें उम्मीद नहीं हारनी है सूरज बहुत मज़ा आया बात करके मन तो कर रहे हैं और ज़्यादा बात कर रहा बट बारह तेरह घंटे हो गए हैं हुए। मुझे मुझे लगता है ये मज़ा आ गया ये मुझे लगता साढ़े बारह बजे रात के नई दिल्ली में है कल रात में मैं एक्चुअली यही इतने बजे सोया सुबह की फ्लाइट थी पकड़ गया और दिन भर सुबह भी हमारा मस्त दो घंटा तो एंटरटेनमेंट हो गया तुम्हारी गूगल ने और बाकी होटल में बट दो साल से हमारा सुमित भाई का चल रहा था करने का करने का और फिर आज रात हो गई मेरी भी मीटिंग थी इनकी भी कुछ कमिटमेंट्स थी फिर रात में बेचारे आए वापस और मुझे लगा शायद नहीं होगा कल होगा मुझे ऐसा लगा <laughs> मैं यार कर देंगे बट यही बात है कि कुछ चीज़ों के लिए रुकना पड़ता है तो समय की बात होती है पर आपने दो साल से इस विचार को रखा आपकी उम्मीद रखी और आपने इसको फॉलोअप किया और उसके लिए आपने मेहनत भी ली इसके लिए इंटरव्यू हो पाया और ये दर्शक भी ये देख पा रहे तो मुझे लगता है ये आपके सराहने वाली बात है कि आपने इसको इतना कमिटेड रूप से ज़िंदा रखा इस इस विसोच को कि ये करना है तो आपका शुभकामनाएं अब मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ एक बार फिर करना है नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम हम हम बहुत अच्छा करेंगे ये भी अच्छा करेंगे इसको सेकंड सेक्शन में बनाएंगे और आपकी न्यूज़ बिग की टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं सभी को आ, मैं आ, रिक्वेस्ट करता हूं विनती करता हूं कि आप कृपया करके ये माध्यम को सपोर्ट करें इनको और प्यार दें ये अपना मीडिया खुद को तैयार करना है आपकी ज़िम्मेवारी है जब आपकी कहानियाँ लिखी जाएगी यही मीडिया इसका प्रिजर्वेशन करेगा आपकी अगर आने वाली जनरेशन आपको अगर देखनी है किस तरह से जी रे पचास साल साठ साल सौ साल बाद दो सौ तीन सौ साल बाद अगर वो देखेगी तो वो यही चीज़ें देखेगी तो अगर कुछ आपकी अगली पीढ़ी को देके जाना है तो अपने मीडिया को आप ज़िंदा रखो और उसको बहुत आगे बढ़ाओ हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस हो मीडिया हाउस हो में मैं आपको आप ये इनक्रेज करता हूँ कि दिल्ली में भी आपका बड़ा ऑफिस हो और हम भी उसी ऑफिस में आपके एक दो हज़ार कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए आ जाएं। वो लाइन आमीन वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन हमें बहुत 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 मजा आया दोस्तों शुक्रिया सूरज सूरज <laughs> बात करने के लिए सूरज के बातों पर आपकी क्या राय है जो हमने चर्चा की उस पर आप क्या कहना चाहते हैं मेरी गुजारिश है कि आप कमेंट करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और किन और लोगों के आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं उसकी रिक्वेस्ट भी आप दे सकते हैं हमें बता सकते हैं नाम सुझा सकते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मेरा नाम सुमित चौहान है और इस पूरे वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी पूरी टीम एक आदमी की मोहित जो है मदद कर रहे हैं जिन्होंने अकेले ये पूरा इंटरव्यू शूट किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे फिर मुलाकात होगी जय भीम जय भीम क्या बात है घंटा <laughs> हो गया ना